हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत है। इससे पहले आप फूल पढ़े, फूल के बाद पॉलिनेशन परागण पढ़े। अब देखो, परागण के बाद ये फल बनेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन एक होता है, फिर कभी उस पर मैं चर्चा करूंगा। अब देखो फल, ठीक है, तो फल के अध्ययन को क्या कहते हैं और फल में क्या क्या हम लोग खाते हैं, फल का विकास कैसे होता है, ये चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, वो फल आप सब्जी के रूप में खाओ या फल के रूप में खाओ, जैसे कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, सब फल है, हम सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना वो सब्जी है, बायोलॉजी में फल सब्जी नहीं होता है, फल सब होता है। तो जरा इसको देखिएगा, फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। एसएससी में बराबर पूछता है, कार्पोलॉजी ही पूछता है ये इलाहाबाद एसएससी में, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी, ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय से क्या बनेगा, फल, और ओव्यूल, ओव्यूल यानी बीजांड, बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनता है। बराबर एग्जाम में पूछता है कि फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से, ओवरी से, और बीज का निर्माण बीजांड, ओव्यूल से होता है, बीजांड से। इसलिए देखिएगा, जिस फल में बीज होगा वो फल के अंदर में होगा, क्योंकि फूल वाले क्लास में आपने देखा था कि अंडाशय के अंदर में यानी ओवरी के अंदर में ही ओव्यूल होता है, बीज होता है। ठीक है, अब जरा इसको समझिएगा, एक मैं फिगर बनाता हूं आम का कटा हुआ, ठीक है, और इस चीज को आप समझ लेंगे और किस फल में आप क्या खाते हो, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखो ये आम है, इसका कटा हुआ भाग है, ये बाहरी भाग हो गया एपिकार्प, एपिकार्प, एपिकार्प का मतलब हो गया बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, ये जो हम लोग खाते हैं यह हो गया मीसोकार्प, मध्य फल भित्ति, और इसके अंतर्गत हो गया इंडोकार्प, बीज के ऊपर, गुठली के ऊपर इंडोकार्प, यह हो गया अंत फल भित्ति, और इसी के अंदर में क्या होता है, सीड होता है, सीड यानी बीज होता है, इसके अंदर में क्या होता है, सीड, बीज होता है, और ये तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प यानी फल भित्ति। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना है, आम का जो छिलका हो गया एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति, जो हम लोग खाते हैं वो मीसोकार्प हो गया, मध्य फल भित्ति, और जो हम लोग गुठली के ऊपर खूब चूसते हैं वो क्या हो गया, इंडोकार्प, उसी के अंदर में बीज होता है, क्या होता है, बीज होता है। क्लियर, अब देखो, अब आपसे पूछता है कि किस फल में क्या खाते हो, इस कंसेप्ट को याद रखना, इस कंसेप्ट से जो हटके है वो आपको हम अभी समझा देंगे, याद हो जाएगा। अब पूछेगा आम और पपीता में क्या खाते हो, तो क्या खाते हो, मीसोकार्प खाते हो, मध्य फल भित्ति खाते हो। क्लियर, उसके बाद कद्दू में क्या खाइएगा, छिलका हटा देंगे तो मीसोकार्प, इंडोकार्प और बीज खाएंगे। जामुन, बेर, नीम में क्या खाएंगे, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, ये नहीं खाते और ये नहीं खाते। ठीक है, केला में आप क्या खाओगे, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, छिलका है। अंगूर में क्या खाइएगा, पेरिकार्प खाइएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, खीरा, नेनुआ, बैंगन, टमाटर, भिंडी, परवल, करेला में सब में क्या खाते हम लोग, पेरिकार्प और बीज पूरा खा जाते हैं, तो जब पूरा खाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प कहेंगे। ठीक है, शरीफा में हम लोग क्या खाते हैं, पेरिकार्प, क्योंकि शरीफा का हार्ड, आधा आवरण हार्ड होता है और आधा आवरण मांसल होता है, जो हम लोग खाते हैं। लौंग में क्या खाते हैं, फ्लोरल बर्ड्स, पुष्पकली। इलायची में हम लोग क्या खाएंगे, पेरिकार्प प्लस सीड खाएंगे, पूरा खा जाते हैं। ठीक है, फूलगोभी में क्या खाएंगे, पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस खाते हैं। फूलगोभी में क्या खाएंगे, इनफ्लोरेसेंस खाते हैं, पुष्पक्रम खाते हैं। ठीक है, उसके बाद
मूंगफली, काजू, बादाम और नारियल, एथी में सिंगाड़ा में जिसको पानी फल बोलते हैं उसमें बीज पत्र खाते हैं, सीड कोड खाते हैं, ठीक है। नारियल में, नारियल के बाद धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस सब में क्या खाते हैं, जौ और जई में भी इंडोस्पर्म फ्रुक्टोज खाते हैं। सेव, नाशपाती में थैलमस पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। उसके बाद अनार में टेस्टा खाते हैं, बीज का ऊपरी भाग, रसीले बीज चोर। नींबू, संतरा, मौसमी या बड़ा वाला नींबू जो छठ पूजा में उपयोग होता है, जिसको बहुत एरिया में गागल बोलते हैं, बहुत एरिया में टाब बोलते हैं, उसमें हम लोग जूसी हेयर, वो जो पतला पतला रोम होता है उसमें जूस भरा होता है, जूसी हेयर खाते हैं। लीची में हम लोग एरिल खाते हैं, क्यों, तो लीची जो है यहाँ पर देखिएगा ये बीज है, अब बीज के ऊपर ये मांसल पार्ट ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, इसको यहाँ से तोड़िएगा हटाइएगा तो सारा मांसल पार्ट बाहर निकल जाएगा, इसलिए लीची में खाने योग्य भाग एरिल है, ठीक है। अब देखो फ्रूट में टाइप्स ऑफ फ्रूट ये फल के प्रकार ये हो गया आपको दो प्रकार, ट्रू फ्रूट सत्य फल, और दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट असत्य फल। अब देखो ट्रू फ्रूट किसको कहेंगे, तो वैसा फल जिसका विकास ओवरी से होगा, ओवरी यानी अंडाशय से होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल। जैसे आम, जामुन, लीची, नीम, कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, सब क्या है, सत्य फल है, सबका विकास ओवरी अंडाशय से होगा। वैसा फल जिसका विकास ओवरी अंडाशय से होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे, ठीक है। और असत्य फल फ्रूट किसको कहेंगे, तो वैसा फल जिसका विकास ओवरी यानी अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भाग से हो, थैलमस से हो जाए, पिस्टिल से हो जाए, कैलिक्स से, क्लोरा से, किसी से हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। और ये असत्य फल 6 है, इसको याद रखिएगा, यही आपको एग्जाम में पूछता है। तो कौन कौन है, सबसे पहले याद रखना सेब, नाशपाती, काजू, कटहल, अंजीर, उसके बाद अनारस या अनानास जिसको पाइनएप्पल बोलते हैं, ये सब असत्य फल के एग्जाम्पल है। तो ये 6 याद रखेंगे, सेब, नाशपाती, काजू, कटहल, अंजीर और अनानास। अंजीर जो होता है ये गुलर से बनता है, फिग गुलर, तो क्लियर। अब देखो इसमें एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, हिंदी इसका होगा अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अनिषेक फल। अब देखो अनिषेक फल किसको कहेंगे, जितना भी फल का विकास होगा, पोलिनेशन होगा, परागण होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तब फल का विकास होगा। लेकिन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसा फ्रूट है, जिसमें न पोलिनेशन होगा, परागण होगा, और न ही फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा, फिर भी फल का विकास होगा, यानी वैसे फल को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ये 4 है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो वैसा फल जिसका विकास बिना परागण एवं निषेचन के होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अनिषेक फल। और इसका एग्जाम है केला, अंगूर, गुलर और कदम, ये 4 जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में यानी अनिषेक फल किसको कहेंगे, इनमें से कौन एग्जाम्पल है, केला, अंगूर, गुलर, कदम, ये 4 है, इनमें आपको फूल के साथ साथ फल निकलता है। गुलर में तो फले के अंदर में फूल होता है, ठीक है, मतलब गांव में लोग कहते हैं गुलरी का फूल हो गया, गुलर का फूल हो गया, मतलब कभी दिखाई नहीं देना, तो फल के अंदर में फूल है तो दिखाई आपको कैसे देगा, ठीक है। तो ये 4 जो है अनिषेक फल है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, इनमें न पोलिनेशन होगा, न परागण होगा, फिर भी फल का विकास होगा। आप देखो
एक और सवाल पूछता है, सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल हो गया लोडोसिया, ये आपका है सत्य फल। दूसरा है सबसे बड़ा फल, फिर सबसे बड़ा फल ये है कटहल जैकफ्रूट, और ये हो गया असत्य फल। अब देखो यहां सवाल आपको कैसे सोल्व करना, जब आप परीक्षा में देने जाइएगा, परीक्षा में पूछेगा सबसे बड़ा फल लोडोसिया रहे तो लोडोसिया, कटहल रहे तो कटहल, दोनों में से कोई ये हो रहे तो कोई टेंशन नहीं है, लगा देना। मामला आप कब फंसेगा, जब दोनों ऑप्शन में रहेगा, लोडोसिया और कटहल दोनों रहेगा तब लोडोसिया को लगाएंगे, क्योंकि लोडोसिया जो है सत्य फल है और कटहल जो है असत्य फल है, लोडोसिया से बड़ा कटहल होता है, लेकिन लोडोसिया सत्य फल है और कटहल असत्य फल है। जब दोनों ऑप्शन में लोडोसिया और कटहल दोनों रहेगा तब आप लोडोसिया लगाएंगे, तब कटहल आप नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो ये था आपका फ्रूट। मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।